तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें क्या है स्टोरी और क्या कह रहा है। कहता है कि रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन। अब एन इज इक्वल टू 2 से 1 एक ट्रांजिशन हुआ है, किसमें हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम हैं, ये प्यारे से सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, और इसमें एक नहीं है, ध्यान देना, बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ है वो 2 से n हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पे था 2 में एक्साइट होके, और 2 से 1 में आ गया है, जंप कर गया है, ऐसे सीधा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है, ये कहानी है हाइड्रोजन की। अब यहाँ से जो फोटोन निकला, ठीक है, ये जो फोटोन बाहर आया, ठीक है, वैसे तो ये जो फोटोन बाहर आया, इस फोटोन को हमने इंसिडेंट कराया हीलियम आयन्स पे। अब यहाँ पर हीलियम्स के बहुत सारे आयन हैं, n=1, 2, 3, n=1, n=2, n=3 एंड n=4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये हीलियम के आयन्स हैं, बहुत सारे आयन्स हैं। तो जब ये फोटोन इस पे डाला जाएगा तो होगा अब क्या, ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फोटॉन है उस फोटॉन को एनर्जी पाके जो हीलियम में इलेक्ट्रॉन होगा, और हीलियम में इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन ए हीलियम आयन इन n=1, 2, 1 स्टेट। अब n=1 से 2 स्टेट पे हम यहाँ पे फोटॉन डाल रहे हैं, तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन एज दे ऑब्जॉर्व फ्रॉम द रेडिएशन। अब देखो जो हीलियम का है वो n=1 से n=2, ये n=1 से n=2 क्या दिया हुआ, पहले इस चीज़ को समझो। कहता है रेडिएशन फ्रॉम ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम फॉल और हीलियम आयन n=1 से 2 स्टेट पे फॉल करता है, तो होगा क्या कि 1 से 1, देखो 1 वाले स्टेट पे भी फॉल करता है और 2 वाले स्टेट पे भी फॉल करता है ये फोटोन। तो 1 वाले स्टेट पे फॉल किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके 2 में चला जा सकता है, 2 से ऊपर 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, ये पॉसिबल है। और अगर 2, ये स्टेट 2 पे इंसिडेंट होता है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत तो सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है इस क्वेश्चन में। तो ये जो 2 वाले पे जब एनर्जी फोटॉन पड़ेगा तो 2 वाला 3 में जा सकता है और 2 वाला 4 में जा सकता है और ये हायर ऑर्बिट में जा सकता है और ये कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये कहता है पॉसिबल, क्या पॉसिबल ट्रांजिशन है, देखो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो चीज़ें थोड़ा सा खतरनाक हो जाती हैं। अब इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो मान लो एच न्यू है, वॉट एवर जो भी है, और ये फोटॉन, देखो ये फोटॉन अगर मान लो ये फर्स्ट N1 से अगर N2 में कोई जाता है, N1 से N2 में जाता है, तो ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E1 है और ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2 है और ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E3 है, ये अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग किसी भी 2 ऑर्बिट का जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, 1 से 3 में जाएगा, तो ये जो 1 से 3 के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वॉट एवर, तो ये जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और जो एनर्जी डिफरेंस 2 ऑर्बिट की है, तो अगर ये एनर्जी ज़्यादा है, समझना इस चीज़ को, ये एनर्जी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, और अगर कम है तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा और ये फोटॉन इसे हीलियम आयन से ऐसे पास हो जाएगा जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बिहेव करता हो। तो चलो सबसे पहले हम हाइड्रोजन हीलियम के जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल एनर्जी -13.6 और ये आता है Z²(n²) इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम के पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13.6, कैलकुलेट करो इसको, -13.6 और ये मल्टीप्लाइड बाई 4, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 तो ये आ जाएगा हीलियम का, ये आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। दूसरे वाले ऑर्बिट की हीलियम के देखो
-13.6 4 और 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो ये खत्म हो गए, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी देखो, -13.6 और मल्टीप्लाइड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6.04। तो ये वाली जो एनर्जी हमें मिल रही है 6.04, ये हीलियम की तीसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी है। इसी तरह से हीलियम के चौथे वाले ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -13.6 और ये 4 और डिवाइडेड बाई 16। तो काटो इसको, देखो कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, तो 13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, हम हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें लगता है, इतना करके तो देखें। चलो अब पहले वाले एनर्जी डिफरेंस निकालो, एनर्जी डिफरेंस E1 - E2 निकालो, E1 - E2 देखते हैं। अब सबसे पहले E1 - E2 अगर मैं निकालूँ, सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं, ये जो फोटॉन आया है, जो हाइड्रोजन फोटॉन आया है, हम देख लेते हैं उसके पास कितनी एनर्जी है, उससे हमें कैलकुलेशन में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो फोटॉन आया है, ये जो फोटॉन है एच न्यू वाला एनर्जी का, इसके पास कितनी एनर्जी है, तो हाइड्रोजन के लिए ये है -13.6 और ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.4 जो एनर्जी है उस फोटॉन की एच न्यू, वो है -3.4 और -13.6, मतलब हमें आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन आया है, जो हीलियम पे इंसिडेंट हुआ है, ये हीलियम पे इंसिडेंट हुआ। अब हीलियम की अगर बात करते हो, ये इंसिडेंट फोटॉन है, हीलियम की अगर बात करते हो तो पहले वाले और दूसरे वाले की एनर्जी का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे, तो पहले और एनर्जी और डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो पहले वाले की डिफरेंस ये कैलकुलेट करोगे तो -13.6 -15.4, कुल मिला के जब ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर E1 - E3 कैलकुलेट करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू और कम होती चली जाएगी E1 और E2। ठीक है ना, तो E1 तो फिक्स है, तो ये वैल्यू E3 और कम होती चली जाएगी, तो ये डिफरेंस और बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब देखो ये जो यहाँ समझने वाली बात है, समझना, तो ये जो फोटोन आया, ये जो जो एनर्जी हीलियम का, जो पहले ग्राउंड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी जो एच न्यू है, दैट इज़ लेस देन डेल्टा ई ऑफ द हीलियम, सो नो नॉट ट्रांजिशन इज पॉसिबल, नॉट नॉट पॉसिबल टू जंप इलेक्ट्रॉन, टू जंप इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इज इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में हीलियम का कोई भी इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा और कोई भी जंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलो एन इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो तो यहाँ से अगर मैं 2 की बात करूं तो डेल्टा ई आ जाएगा, वो आ जाएगा E2 - E3। तो E2 - E3 13.6 और -6.04 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 7.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लेना एक बार, घटाओ उठा लेना। तो यहाँ से 7.6 13.6 और 6.04 तो आ जाएगा, हाँ चलो, तो ये एनर्जी 7.5, दैट एनर्जी इज लेस देन इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी, दैट इज एच न्यू एंड लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली चीज़ लेस है यहाँ पे। और दूसरा और आगे निकालोगे ये, तो यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा 13.6 माइनस, और हाइयर चले जाओ 3.4, समझ रहे हो ना, ये तो यहाँ से आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट मैच कर गया, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, दैट 10.2, और इसके बाद तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके बाद ग्रेटर हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से
यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ, तो एक तो ट्रांजिशन हुआ यहाँ से टू से फोर में, टू से E4 का एनर्जी डिफरेंस है और ये टू से थ्री का एनर्जी डिफरेंस है, तो ये लेस है। तो लेस है तो क्या होता है, समझना है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं दिल देता हूँ, हार्ट देता हूँ, और ये आप समझ लो। तो अगर देखो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि 7.5 इलेक्ट्रॉन भाई 10.2 मिला पहले वाले के लिए, तो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो ले लेगा और जंप कर जाएगा कहाँ, टू से थ्री में जंप कर जाएगा। तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा भाई, एन इज इक्वल टू टू वाले इलेक्ट्रॉन को टू से थ्री में चला जाएगा 7.5 इलेक्ट्रॉन, और बची हुई एनर्जी जो है वो एटम आयन जो जो भी है वहाँ पर वो अपनी काइनेटिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी बढ़ा लेते हैं। और तीसरे केस में तो एग्जैक्ट मैच कर गया, थ्री से और फोर की एनर्जी डिफरेंस ये मैच कर गई, ये थ्री और ये फोर से एनर्जी तो मैच कर गई एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट मैच गई तो बहुत ही अच्छा है यार, ये तो परफेक्ट मैच है, परफेक्ट। तो यहाँ से दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, ट्रांजिशन जो पॉसिबल है तो एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू थ्री में इलेक्ट्रॉन जा सकता है और एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू फोर में जा सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।